बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार से आलू के कबाबों की रेसिपी बना रहे हैं। उसके अंदर हम चटनी भरेंगे, तो हम चटनी भरे आलू के कबाब बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से और बहुत ही चटपटे से। तो चलिए फिर हम अपने किचन में चलते हैं और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। झटपट से ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से पोटैटो चटनी भरे कबाब बनाते हैं। तो आलू के कबाब बनाने के लिए ये दो बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे हमने। इनको बॉईल करके अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। एक चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है और एक चाय का चम्मच ही इसके अंदर पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है और ये कुछ हरा मसाला है। तो एक दरमियाने साइज की चॉप की हुई प्याज है, आधी मुट्ठी हरा धनिया है चॉप किया हुआ और एक खाने का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्ची इसके अंदर डाल दी है। अब इस मिक्सर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। चटनी के कबाब बनाने हैं हमें, तो इसके लिए हमें चटनी बनाना होगी। तो चटनी के लिए ये आधी गड्डी हरा धनिया ले लिया हमने और आधी गड्डी ही पुदीना है, 8-10 ये छोटी हरी मिर्चें भी ली हैं और अनारदाने को हमने भिगो के रख दिया था, ये 2 खाने के चम्मच अनारदाना है। इसको अच्छे तरीके से धो के हमने भिगो दिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा। अब इन तमाम चीज़ों को हम चॉप कर लेते हैं। देखें ये चटनी हमने बना ली है, इसको मोटा मोटा चॉप कर लिया है। एक अंडा लेके इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है और थोड़ा सा इसके अंदर हम दूध डाल देते हैं पतला करने के लिए। इसको कबाब बना लिए हमने, कुछ कुछ आपको बना के दिखा देते हैं। तो एक पतला सा छोटा सा कबाब बनाया है हमने और एक और इसी तरीके से बना लेंगे, पतला सा छोटा सा। हाथों को हल्का सा हमने ग्रीस कर लिया था ऑयल से ताकि ये आलू का मिक्सचर हाथों में चिपके नहीं। अभी जो पतला सा हमने कबाब बनाया था इसके अंदर जो चटनी चॉप करके रखी हुई है ये रख देंगे ऊपर से। जो एक और कबाब पतला सा बना रखा है हमने, इसको ऊपर से रख के हाथों से प्रेस कर देंगे और इसके किनारों को अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। इस तरह से हमारे ये आलू के कबाब बन चुके हैं। अब इनको डीप फ्राई करना है हमें। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये आलू के चटनी भरे कबाब। आप इनको स्नैक्स के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं या अगर चाहें तो इनको डिनर या लंच में भी सर्व कर सकते हैं। अब इनको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसको पहले अंडे में डिप करेंगे, इसके बाद फिर हम इन पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। इनको बिल्कुल ब्रेड क्रम्स से कवर कर देना है अच्छे तरीके से। बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे इंशाल्लाह हमारे ये चटनी भरे आलू के कबाब। पूरा इनको कवर कर देना है, नहीं तो ऑयल इसके अंदर चला जाएगा तो फिर ये क्रिस्पी नहीं रह पाएंगे। इस तरह से हम तमाम कबाबों को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल कवर कर दिया है हमने ब्रेड क्रम्ब से। ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इनके अंदर कबाबों को डीप फ्राई कर लेते हैं जब तक कि ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, तीन तक हम इनको डीप फ्राई करेंगे। एक तरफ से जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये और आलू तो बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं तो इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, बना के आप इनको फ्रीज़ कर लें और जब आपको सर्व करना हो उस वक्त आप इनको डीप फ्राई करके सर्व कर दें। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा कलर आया है इनके ऊपर, बिल्कुल गोल्डन हो रहे हैं ये। तो अगर आपको इस स्टेज पे मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करें मेरे चैनल को और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखें इस तरह से ये डीप फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी से लग रहे हैं देखने में ही और कलर देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है इनका, बिल्कुल गोल्डन कलर आया है इनके ऊपर। तमाम कबाबों को इसी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है, फिर इनको निकाल लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है, ये आलू के चटनी भरे कबाब। देखें कितने क्रिस्पी हो रहे हैं ये।
चटपटे से मज़ेदार से हमने इसको हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इन कबाबों को ज़रूर बनाइए और मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।